असें ॾहें क्लास जे असां सिंधी मां सबक चौथों पढ़ंदासीं जंहिंजो उनवान आहे क़ाइदे आज़म रहिजा इरशाद शागिर्दनि ॾांहुं तालीम पखेड़ण लाइ वॾे में वॾी क़ुर्बानी ॾियण खां पोइ क़िबाइणु न घुरिजे उन मक़सद खे हासिलु करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि मां तव्हांखे तालीमी अमल में मसरूफ़ रहण जो ताक़ीद थो करियां कम ऐं बस कम पंहिंजे क़ौम जी सची ख़िदमत कंदा रहो ऐं अॻिते वधंदा हलो तालीम को पखेड़ने के लिए शागिर्दों की तरफ क़ाइदे आज़म ने यह फरमाया है कि तालीम को पखेड़ने के लिए उसको बिखेरने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी मतलब कतराना नहीं चाहिए उस मकसद को हासिल करने के लिए हमारे आगे जो हैं जितनी भी तकलीफ़ें आएँ वो बिल्कुल कम हैं उनसे हमें बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए और आपको जो है तालीमी अमल मैं मसरूफ़ रहने का ताकीद कर रहा हूँ काम और बस काम अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते रहो और आगे बढ़ते रहो तमाम मुस्तक़बिल जा मेहमान आयो उन लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे सिर ते बीठो आहे उन खे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख़्सियत में नज़म ज़ब्त पैदा करियो ऐं मुनासिब तालीम ऐं मौज़ून तरबियत हासिल करियो मां पाकिस्तान जे हर बाशिंदे ऐं ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवान तबिके खे हीअ ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत बर्दाश्त हिमत जे सचे जज़्बे जो मुज़ाहिरो करियो अहिड़ो आला मिसाल क़ाइमु करियो जो अव्हां जा साथी ऐं ईंदड़ नसुल अव्हां जी पैरवी कनि क़ाइदे आज़म रहे फरमाते हैं शागिर्दों को कि आप जो है मुस्तक़बिल के मेमार हो आपके लिए जो भी मुश्किल काम है वो आपके सर पे खड़ा है उसको मुंह देने के लिए अपनी शख्सियत में तालीम ये नज़म और ज़ब्त पैदा करो और मुनासिब तालीम और मौज़ून तरबियत हासिल करो मैं पाकिस्तान के हर बाशिंदे को और ख़ास तरह अपने नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि खिदमत बर्दाश्त हिम्मत और उसके सच्चे जज्बे का मुजाहरा करें ऐसी आला मिसाल कायम करें जो आपके साथी और जो आने वाली नस्ल है वो आपकी पैरवी करे सरकारी मुलाजमन दां यानी कि सरकारी मुलाजिम जो हैं उनकी तरफ पैगाम जो क़ाइदे आज़म भेज रहे हैं जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान खे खुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतोड़णो पवंदो जेकॾहिं अव्हां हिक ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अव्हां कामयाबु थींदा ऐं अव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त दुनिया में अव्हां जे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे जॾहिं अव्हां ख़ुदा जे हज़ूर में पेश थियो तॾहिं अव्हां ख़ुदि एतमादीअ सां चई सघो त मूं ते जेकी फ़र्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया मूंखे यकीन आहे त अव्हां इहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा ऐं उन मुताबिक़ ज़िंदगीअ जो कमु सरअंजाम ॾींदा जेकॾहिं अव्हां वाक़ई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करणु था चाहियो त अव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जे दॿाउ जो शिकार थियणु न घुरिजे पर उन जे बरक्स अव्हां ऐं मुल्क जी सचे ख़ादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ी सां पैदा कंदा रहो अगर आप इस अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हो तो को पूरी तवज्जो के साथ ग़रीब लोगों की फलाह और बहबूद के लिए यानी कि उनकी कामयाबी के लिए अपने आप को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा जब अगर हम एक दूसरे के साथ तआवुन करेंगे तो हमें यकीन है कि हम कामयाब हो सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके ज़मीर से ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपको जब खुदा के हुजूर यानी कि कयामत के दिन जो है जब आप अल्लाह के हुजूर हाज़िर होगे तो आपको आप ये खुद एतमादी के साथ ये बोल सकते हो कि जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ रखे गए थे वो मैंने पूरी तरह सरंजाम दिए और मुझे ये यकीन है कि अगर आप अपने अंदर अपने दिलों में ये जज्बा पैदा करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी उस अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकते हो जिस तरह आप इस तरीक़ों के मुताबिक चलो तो और अगर आपको वाकई अपने मुल्क पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना है आप बुलंद करना चाह रहे हो तो आप किसी भी किस्म के दबाव का शिकार ना बने और जो है उसके बरक्स
आप आवाम और मुल्क की सच्ची खिदमत करें, मुल्क के सच्चे खादिम की हैसियत से अपने फ़र्ज बेखौफी से बग़ैर किसी डर से पूरे करते जाएं। पाकिस्तानी अवाम डा, ये जो मैसेज है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान की अवाम के लिए है। कुदरत तवां के सब कुछ दिनों आहे, तवां वट गैर महदूद ज़रिया आहिन, तवां जे मुल्क जो बुनियाद बणजी चुको आहे, हाणे इहो तवां ते मुनसिर आहे त तवां उन खे ठाहियो, जेतिरो जल्द ठाहे सघो था ठाहियो। मुंहिंजे पैगाम जो तत्व ही आहे त हर मुसलमान खे ईमानदारी खुलूस ऐं बेगर्ज़ी सां पाकिस्तान जी ख़िदमत करणु घुर्जे। असीं मुस्तक़िल मिज़ाजी अणथक महिनत ऐं क़ुर्बानी जे जज़्बे सां पाकिस्तान खे हिकु अज़ीम ऐं मुस्तहकम मुमलिकत बणाईंदासीं। इनशाला पाकिस्तान क़ाइमु रहण लाइ ठहियो आहे ऐं ज़मीन जी का बि ताक़त अहिड़ी न आहे जा हुन खे तबाह करे सघे। क़याम में पाकिस्तान जंहिं लाइ असां गुज़िरियल 10 सालनि खां जिदोजहद करे रहिया हुआसीं, सो ख़ुदा जो शुक्र आहे त अॼु खुलियल हक़ीक़त आहे। असांजो मक़सदु सिर्फ़ु हिकु मुमलिकत हासिलु करणु न हो, बल्कि इहो मक़सदु हासिलु करण जो ज़रियो हो। मक़सदु इहो हो त असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असीं पंहिंजी रिवायतुनि ऐं तमदनी ख़ुसूसियतुनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघूं, जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिकजहिड़ाई जे उसूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करण जो मौक़ो हासिलु हुजे। कायदे आज़म फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने कुदरत है, यानी कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ यानी कि सब कुछ चीज़ों से नवाजा है। आपके पास गैर महदूद ज़रिया यानी कि ज़राए मौजूद हैं और आपका मुल्क जो है, आपके मुल्क का बुनियाद पड़ चुका है। अब आपके ऊपर ही ये मुनसर है बात कि आप इसको किस तरह बनाते हो। जितना जल्दी बना सकते हो बनाते जाओ। और मेरे पैगाम का तत्व यानी कि उसकी एक समरी है, उसका एक खुलासा है ये कि हर मुसलमान को ईमानदारी खुलूस और बेगर्जी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। हम मुस्तकिल मिजाजी और कभी ना थकने वाली मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान की एक अजीम और मुस्तकम मुमलिकत बना सकते हैं और हम बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ज़मीन की कोई भी ताकत उसको तबाह कर नहीं कर सकती। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको तबाह कर सके। क़याम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो वजूद है, जिसके लिए हमने गुजरे हुए 10 सालों से मेहनत और जिदोजहद कोशिश करते आए हैं, सो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज एक खुली हुई हकीकत है हमारे सामने। हमारा ये मकसद था कि हम एक मुमलिकत हासिल कर ना करें, हमारा एक ये सिर्फ एक मकसद नहीं था कि हम एक मुमलिकत हासिल करें, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हम ऐसी मुमलिकत के मालिक हों जहाँ पर हमारे लिए जो कल्चरल यानी कि हमारे सकाफती रिवायती तमदनी जो खसूसियात हैं, हम अपने जो हमारा जो भी इस्लाम का अदल और एक जैसे रहने के उसूल हैं सारे उसके मुताबिक हों, जहाँ पर हम एक अपने खित्ते में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी आज़ादी से जो है आज़ादी हासिल करने का हमें मौका मिले, अदल और एक जैसी हमारे उसूल हों। आज़ादी मतलब कि हम अपने हिसाब से इस्लाम के बुनियाद पर और अपने जो हमारे जो और तहजीब व तमदन के हवाले से हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकें और हमें आज़ादी के साथ अमल करने का मौका हासिल हो। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा लेसन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।